हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स की, जिससे कि एमसीक्यू बनने में बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। और इसका पहला पार्ट हम पहले ही डाल चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीजीआर एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर की तरह वर्क करता है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट आता है पीजीआर एक्ट एज ए बोथ प्रोमोटर एंड इनहिबिटर। आपको ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन बताना है, मतलब रेगुलेटर बताना है, जो दोनों का काम करता हो, प्रोमोटर का भी और इनहिबिटर का भी। तो ये इसका क्या काम होता है? इसका नाम होता है इथाइलीन। अब नेक्स्ट है पीजीआर एक्ट एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ये तो दोबारा से हो गया, सॉरी। नेक्स्ट है 2,4-D इज वाइडली यूज एज, ये किसके लिए यूज होता है? हर्बिसाइड्स फॉर डाइकॉट प्लांट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर आर। अब देखिए, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर क्या होते हैं? तीन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन या साइटोकाइनेंस, ACG। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ACG, मतलब कुछ भी आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। जैसे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जो होते हैं ACG होते हैं, तो ए से ऑक्सिन, और सी से साइटोकाइनेंस, और जी से जिबरलिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ अमीनो एसिड यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड यूज होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो 20 होते हैं। अब नेक्स्ट है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज आल्सो कॉल्ड एस। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को हम हमें और क्या कह सकते हैं? ग्लिसरॉल। नाइट्रोजनस प्लस शुगर, तो ये मिलके क्या होगा? तो ये मिलके बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। अब है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में कौन सी होती है? कोलेजन। अगर प्लांट में पूछ देता है तो उसका क्या होगा? रोबिस्को। अब नेक्स्ट अगर कोई आपसे पूछ ले हु वाज द डार्विन ऑफ 20th century, तो आपका आंसर क्या होगा? ई मायर। 20th century का डार्विन किसे माना गया है? ई मेयर को। अब नेक्स्ट कोई पूछ ले ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और इसके बाद ये भी होती है एक ICZN, तो इसका होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। तो ये क्या होता है? स्पीसीज, मतलब किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपको बताना है जो फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है, तो स्पीसीज होगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है ईच स्टेटमेंट इन द कपलेट ऑफ कीज लीड। अब नेक्स्ट है इन कीज ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज क्या होगा? कपलेट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी डालते हैं और सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट भी डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।